आप सभी बच्चों का एक्सटेंशन एंड सर्किट में बहुत ही स्वागत है। जैसे कि आपको हम फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में बताए थे VCR के बारे में, VCR मतलब भी मतलब वेक्टर बता दिए थे, R मतलब रिजल्टेंट बता दिए थे, और C मतलब कैलकुलस का दो पार्ट था, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन लेकर के हम बहुत सारे पार्ट बताए भी थे और कुछ सारा सवाल उस पर बच गया है, वो आज के लेक्चर में हम पूरा करेंगे। एक फार्मूला भी आपको दिए थे dx के पावर n बटे dx, तो बड़ा सिंपल तरीका दिए थे, बोले थे डॉक्टर किसका है x का, तो इलाज किसका करेंगे x का, तो बताए थे इलाज बड़ा सिंपल था, जो माथा पर टूट था ना उसको पकड़ के पटक दिए थे, अब पटकने के बाद पेशेंट को यहाँ लाए थे, अब बताए थे लोड एक कम कीजिए और सी सच्चा सच चल दीजिए, इलाज हो गया। इस पर कुछ सवाल भी बनवाए थे और आज और कुछ सवाल हम लाए हैं। इस टाइप के सवाल अगर मिल जाए तो इसको कैसे आप लोग बनाइएगा, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, आपको बताए थे जो डॉक्टर अगर आदमी का है तो इलाज आदमी का ही होगा, अगर भैंस का डॉक्टर ले आइएगा तो आदमी का इलाज नहीं करेगा, इलाज बराबर जीरो हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर भी डॉक्टर साहब देखिए टी का है और पेशेंट भी सब टी है, लेकिन अब की बार डॉक्टर साहब के आगे पेशेंट का भीड़ लगल है और ओकरा साथो साथ में आदमी गेल है, तो सबको पहले आदमी को रूम से बाहर करेंगे और तब डॉक्टर को बारी बारी से सबके पास ले जाएंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ लिखे d5t पर पावर 4 बटे dt, देख खटिया है तो खटिया है, मचिया तो मचिया, मतलब खटिया होगा तो खटिया लगा देंगे और मचिया रहेगा तो मचिया लगा देंगे, तो प्लस है तो प्लस, यानी खटिया है तो खटिया देंगे। उसके बाद यहाँ पर d3t³ और यहाँ पर देंगे dt प्लस d2t के पावर 5 और dt। अब सब सब के पास डॉक्टर आराम से चल गया। तो आप ध्यान दीजिए, बताए थे पेशेंट के साथ अगर कोई आदमी जाता तो उसको पहले बाहर कर देते, इसको सबको बहुत से बाहर कर दीजिए, सब बाहर कर दीजिए। तो यहाँ d के पावर 4 बटे dt प्लस 3 dt के पावर क्यू बटे dt प्लस 2 dt के पावर 5 बटे dt। समझ रहे हैं ना सब आदमी जी, समझ रहे होंगे, ध्यान दीजिए। बताए थे जो माथा पर लोड रहेगा टुकड़ी उसको पहले क्या कर दे, पटक देंगे और लोड को एक कम कर देंगे, 3 है तो 1 4 है तो 1 घटा देंगे, फिर प्लस दीजिए 3 है तो 3 टुकड़ी को पटक दीजिए, यहाँ पर क्या दीजिएगा टी के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ तो 2 रहेगा ही, टुकड़ी को पटकेंगे और यहाँ टी के पावर 4 करेंगे, समझ गए होंगे सब आदमी। तो कितना हो जाएगा 5 × 20, उसके बाद 3 × 3 = 9t² प्लस 5 × 2 = 10 टी के पावर 4 हो गया आंसर। लेकिन कितना लेंदी रखा, इससे झकमार विधि है, अगर आपको एक ही बार में बनाना हो तो कुछ नहीं करना है, देख लीजिए इसको लिख लीजिए सब आदमी, कुछ नहीं करेंगे है, देख लीजिए डायरेक्टे करेंगे 5 × 20 लोड एक कम कर देंगे आ गया, उसके बाद देखिए 3 × 3 = 9 लोड एक कम करेंगे आ गया, फिर देखिए 5 × 2 = 10 लोड कम आंसर हो गया, बात समझ सब आदमी, समझ गए ना। उसी प्रकार अगर हम आपको और दें, अगर मान के चलिए हम ऐसा दे दें इसको आप कैसे बनाइएगा, तो आप देखिए डॉक्टर तो आर ए के है, अब पेशेंटो देखिए आर तो है लेकिन खटिया तौर में घुसल है, चुकिया तौर में, और अपने टांग के ऊपर लाएंगे, समझ रहे ना, क्या करेंगे टांग के ऊपर लाएंगे, थे देख लीजिए ये सब फिजिक्स में यूज होगा, ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा dr² की ऊपर जगह तो माइनस हो जाएगा, नीचे हम क्या है dr, तो आप ध्यान दीजिए, तो डॉक्टर आर के है, इलाज भी मतलब पेशेंट भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं लोड को पटक देते हैं नीचा में, पटक दिए और पेशेंट को यहाँ लाते हैं और लोड को एक कम करते हैं, एक कम कर दिए तो कितना हो जाएगा जी -2 R, तो कितना कर दें कितना हो जाएगा ये -3 हो जाएगा, बात समझ गए ना, ये बात समझ नहीं समझे,
समझ गए ना, उसके उसको लिखिए सवाल ध्यान से, तो छाप लिए होंगे, बना लिए होंगे आप लोग। इसी को अगर थोड़ा और करना चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब माइनस दो को रहने दीजिए और आर के पावर माइनस थ्री, मतलब माइनस है तो प्लस आ जाएगा तो थ्री हो जाएगा, ये भी सही हो सकता है, समझे ना। ध्यान दीजिए, इतना बात कर लिया, अभी इन पर सवाल और फिजिक्स में अगर दिखाएंगे थोड़ा ही उसको देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर एच डब्ल्यू है, एच डब्ल्यू मन हुआ हॉर्लिक्स बार, ये सब हॉर्लिक्स पी कर कहीं तो यहाँ कंप्लेन पिला देंगे सब यूट्यूबे पर, हम समझ रहे हैं ना। एस डब्ल्यू मैंने होमवर्क नहीं समझिए, इसको हॉर्लिक्स वर्क समझिएगा, जितना पीजिएगा ना उतना फीस मजबूत होगा, अगर नहीं पीजिएगा आइएगा तो कंप्लेन पिलाएंगे बढ़िया से। अब ध्यान दीजिए, तो मात्र ये चारे को चटनियाँ हम आपको देंगे फिजिक्स में, और कुछ करना ही नहीं है। देखियो मैथ में जब पढ़िएगा तो डिफ्रेंशिएशन को डी सी भी कहते हैं शॉर्ट में, समझ गए ना। तो मैथ तो हम प्राण अभी वहाँ पढ़ेंगे तो बताएंगे, तो यहाँ देख लीजिए, अगर आपको साइन का डी सी यानी कि साइन का डिफ्रेंशिएशन पूछेगा तो कॉस बोलिएगा, क्योंकि देखिए डॉक्टर ठीठा का इलाज भी ठीठे करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो अभी सबका प्रूफ अभी तो हम मैथ तो पढ़ा नहीं, प्रूफ करेंगे, प्रूफ कर भी सकते हैं लेकिन टाइम बहुत जाएगा, मैथ भी सब डिप्लीज बताएंगे। ध्यान दीजिए, तो साइन मतलब साइन थीटा मतलब साइन का जो डी सी होगा डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है, अगर आपको कॉस का डिफ्रेंशिएशन बोलेगा तो माइनस साइन थीटा, देखिए सेम सेम है, सेम है, अगर साइन का तो कॉस बोलेंगे, कॉस का तो माइनस साइन बोलेंगे, सिर्फ माइनस का अंतर होते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पर डी साइन एन थीटा है तब डी थीटा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ बात ये जो है ना एन ई गोदी में है, समझ गए ना। तो गोदी में जब होगा ना तो गाना एक ही रुकेगा, फेंकेंगे भी लोकेंगे भी, फेंकेंगे भी लोकेंगे भी, तो पहले क्या कर दिया इनको फेंक दिए फिर लोक लिए, फेंक दिए फिर लोक लिए, समझे ना। तो साइन एन थीटा बटे डी थीटा है, तो पहले एन को फेंक दिया तब फिर गोदी में लोक लिए, बुझिए ना, फेंकेंगे भी लोकेंगे, याद रहेगा ना। ध्यान दीजिए, कर दिए मतलब साइन है तो कोस होगा ही, बस यहाँ पर एन है मतलब गोदी में है तो पहले फेंक दिए और फिर यहाँ पर लोक लिए, ठीक है डीटा। और यहाँ पर देखिए डी नियतांक है डी एक्स के, तो नियतांक कहने का मतलब यह है नियतांक एक दो तीन चार पाँच छः कुछ, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ एक्स का है तो यहाँ एक्स ही होना चाहिए, यहाँ नियतांक है, नियतांक मतलब एक दो तीन चार पाँच कुछ भी होगा तो उसका इलाज जीरो हो जाएगा भाई साहब, समझ गए ना। क्यों, क्योंकि बताए थे अगर डॉक्टर रहेगा आदमी का इलाज आदमी की करेगा, वो भैंस का नहीं करने लगेगा, तो भैंस बराबर जीरो हो जाएगा, अगर हम लिखेंगे डी भैंस बटर डी आदमी तो इलाज और जीरो हो जाएगा, नहीं समझ रात को, तो वही बात यहाँ पर किए हैं। देखिए डी नियतांक डी एक्स इलाज क्या हो जाएगा जीरो, इतना बात समाज में लिखिए, अच्छा समझ गए ना बात को, चलिए लिखिए लीजिए। तो वो जो सवाल बताए आपको मतलब हॉर्लिक्स वर्क दिए थे, वो करने के बाद इसी फॉर्मूला पर सवाल बनेगा, देख लीजिए। तो पहला जो यहाँ पर डी साइन टू पाई एन टी बटे डी टी है, यह देखिए इस फॉर्मूला पर है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है 2 पाई एन है, मतलब डॉक्टर टी के है, पेशेंट भी टी के है, ये बाकी अगर आप गोदी में बैठल है तो गोदी में बैठे पहले इसको बाहर करेंगे, क्या करेंगे इसको बाहर कर देंगे, तो 2 पाई एन जैसे वहाँ पर एन को बाहर किए थे ना, वो तो 2 पाई एन है, 2 पाई एन को बाहर कर देंगे। फिर यहाँ पर साइन है तो साइन का डी सी क्या होता है कॉस, तो यहाँ पर देंगे कॉस, वहाँ थीटा तो थीटा, यहाँ पर 2 पाई एन टी है तो यहाँ देंगे 2 पाई एन टी, बस इलाज हो गया, बात समझ होंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखल है, फिर देखिए डी साइन डी फाइव साइन टी प्लस सिक्स कोस टी बटे डी टी, देखिए डॉक्टर टी का है तो इलाज भी किसका होगा टी का ही होगा, तो ध्यान दीजिए भीड़ लगल है पेशेंट का तो सबको डॉक्टर को ले जाए बारी बारी से, यहाँ पर क्या देंगे डी फाइव साइन टी बटे डी टी, खटिया तो खटिया मचे तो मचे लगेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा छ कॉस टी बटे में क्या देंगे डी टी, तो ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पर अब है फाइव है तो सबसे पहले इसका इलाज करते फाइव को बाहर कर देंगे, तो फाइव को बाहर कर देंगे तो साइन है तो साइन का डी सी क्या होता है कॉस, आप क्या देंगे कॉस टी, कॉस टी हो गया। फिर प्लस देखिए सिक्स है तो सिक्स रहने देंगे, यहाँ पर कॉस है तो कॉस का क्या होता है माइनस, तो यहाँ लगा दिए केवल माइनस दे दीजिए, माइनस छः है यहाँ पर क्या देंगे साइन टी देंगे, हो गया आंसर इतना ही हो गया, बस समझ गए होंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर बारह कॉस थ्री एक्स और डी एक्स है, देखिए यहाँ पर गोदी में है तो सबसे पहले तो ये बारह को लिखेंगे इंटू तीन को बाहर करेंगे, और कॉस का डी सी क्या होता है माइनस, कॉस का डी सी होता है इंटू माइनस
साइन 3x, इसको गुना कर लीजिए, बरतिया माइनस 36 साइन 3x, समझ गए होंगे। उसी प्रकार यहाँ पर इसको भी देख लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान देते हैं, डी 1/4π ε0 गुना पी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर है। यहाँ पर बटे में दे दीजिएगा आप लोग डी थीटा, बटे में क्या दीजिएगा डी थीटा। तो ध्यान से समझते हैं, डॉक्टर यहाँ किसका है थीटा का, तो इलाज भी किसका करेंगे थीटा का ही करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो इसके साथ में आदमी गया उसको पहले बाहर कर दीजिए। तो बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/4π ε0 गुना पी बटे आर स्क्वायर। आप डॉक्टर को लाएंगे किसके पास, साइन के पास, यहाँ देंगे डी साइन थीटा, अब बटे में क्या देंगे डी थीटा। समझ रहे समाज बात को, अब ध्यान दीजिए, देखिए 1/4π तो रहेगा ही, 4π ε0, ये सब फीस में पढ़ाएंगे वहाँ, ε0 क्या है समझ। इस तरह का सोल्यूशन आपको करने तो वहाँ भारी मथा पची होगा, जब ये सब चीज़ नहीं समझ रहिएगा, यही सब देख के दिमाग वहाँ कहता है रुकी सर मिठाई नहीं छापे दी सर, इसी में प्रॉब्लम होता है। ये सब पूरा बता देंगे ना फीस में, फिर कहीं तक दुख नहीं होगा आपको। तो उसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर गुना पी बटे आर स्क्वायर, आप देखिए डी साइन थीटा है तो साइन का क्या होता है ऋषि कॉस होता है, तो यहाँ पर दे देंगे कॉस थीटा, हो गया, इतना करना है का? समझ की बात। उसी प्रकार देखिए इसको करते हैं, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे म्यू नॉट बटे 4π देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए डॉक्टर टी का है, पेशेंट भी टी है, इलाज हो गया, बाकी सब सब बाहर से है तो इसको बाहर करेंगे। फिर यहाँ दे दिए म्यू नॉट बटे 4π, यहाँ पर देंगे गुना m बटे आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर ले देंगे आप डॉक्टर को डी कॉस टी, अब बटे में देंगे डी टी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस म्यू नॉट 4π गुनी m/r², अब देखिए आप कॉस टी है तो बताइए कॉस का क्या होता है जी, माइनस है माइनस है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं इंटू माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो म्यू नॉट बटे 4π गुनी m/r² साइन थीटा, ये हो गया। आप समझ गए, इतना सवाल में लिखिए, इसको पूछ करके लिख लीजिएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो, मतलब यहाँ पर जो है टीन है तो यहाँ टी ही दीजिएगा, थीटा पड़ गया था, यहाँ टी ही दीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिए सवाल में, लिखिए। उसके बाद देख लीजिए यह सवाल है, और इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। अब की बार देखिए यहाँ डॉक्टर किसका है, आर का है, लेकिन पेशेंट देखिए थीटा का है। अब क्या कीजिए, अब इलाज ही नहीं होगा, लेकिन ध्यान सोचिए फिजिक्स है, इसको क्या करेंगे अब की बार, 1/4π ε0 गुना यहाँ पर पी कॉस थीटा को यहाँ लिख लीजिए। आप कॉस जब इधर कर लिए पूरे को तो ऊपर कुछ एक तो है यहाँ पे, मतलब इसको जब नीचा किए तो इंटू में एक नहीं है, यहाँ पे यहाँ पर गुना एक है ना जी, यहाँ पे एक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ तो एक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1/r² लिख सकते हैं, और बटे में पूरा बटे में क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर हम यहाँ डी है ना तो यहाँ पर हम डी लगा लेते हैं ठीक, और पूरे के बटे में क्या है डी आर है। अब यहाँ आ रहा है, यहाँ भी तार है, अब इसे कर लीजिए 1/4π ε0 गुना पी कॉस थीटा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा डी आर के पावर -2 और बटे में डी आर होगा, हो गया। आप ध्यान दीजिए, तो अब हम क्या करेंगे, 1/4π ε0 गुना ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, उसके बाद है डी, तो डी यहाँ से हटाएंगे तो पहले क्या कर देंगे, दो को पटक देंगे ठीक ना, दो को क्या कर देंगे पटक देंगे, पटकेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं है, करते हैं
ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, 1/4 पाई से नोट है गुना पी कॉस थीटा है। देखिए डॉक्टर आर का है तो इलाज भी आर का होगा, तो पहले क्या करो थे लोड को पटकने के लिए, तो इसको क्या कीजिए -2 को पटक दीजिए, तब आर पे क्या कर देंगे -2 लोड ये कम करेंगे, कर दिए तब क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना पी कॉस थीटा, ये हो जाएगा -2r^-3 हो जाएगा। तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना पी कॉस थीटा और -2 यहीं लगा लीजिए, -2 यहीं लगा लीजिए, -2 जो माइनस में नीचा कर दीजिए इसको, 3 को नीचा कर दीजिए, ठीक है, मतलब r^3 हो जाएगा, r^3 हो जाएगा, ये आपका हो गया आंसर, समझ गए ना। तो आज यहीं पे वीडियो को रोकते हैं और अगले क्लास में आपको अगला चीज़ बताएंगे। ओके, धन्यवाद।